प्रेम प्रकाश आश्रम में मनाया जाएगा स्वामी टेऊराम महाराज का जन्मोत्सव। 14 जुलाई से 18 जुलाई तक चलेंगे कार्यक्रम। कार्यक्रम आएंगे कई संत महात्मा। वैशाली नगर स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में स्वामी टेऊराम महाराज का 132वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर आज आश्रम में प्रेस वार्ता आयोजित हुई, वे कार्यक्रम की जानकारी दी गई। कार्यक्रम 14 जुलाई से 18 जुलाई तक चलेंगे, जिसके अंदर कई जगहों से संत महात्मा सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम में 75 वर्षदान किए जाएंगे। साथ ही हाल ही में चौर सेवा रोड से प्रेम प्रकाश मार्ग घोषित हुआ है, जिसका लोकार्पण भी इसी कार्यक्रम में किया जाएगा। कार्यक्रम में दिल्ली से भी कलाकार आके प्रस्तुति देंगे, वे कार्यक्रम में शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। प्रेम प्रकाश आश्रम वैशाली नगर अजमेर में सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जो कि प्रेम प्रकाश मंडल के संस्थापक आचार्य थे, उनका पावन 132वां जन्मोत्सव 14 जुलाई शनिवार से 18 जुलाई तक मनाया जा रहा है, जिसमें प्रेम प्रकाश मंडल के अध्यक्ष स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज, स्वामी बसंतराम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज और कई अन्य संत महात्मा इस उत्सव में सम्मिलित होंगे। साथ ही इस बार 75 बच्चों के सामूहिक यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है और स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का 75वां जन्मोत्सव भी इसके साथ ही मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में 75 वृक्षदान, हर व्यक्ति अपनी ओर से एक एक वृक्ष प्रकृति को समर्पित करेगा और स्वामी जी उसका लोकार्पण करेंगे। और प्रेम प्रकाश आश्रम मार्ग, जो कि चौरसियावास रोड का नाम परिवर्तित होकर प्रेम प्रकाश आश्रम मार्ग हो चुका है, उसका भी लोकार्पण समारोह इस समारोह के अंतर्गत किया जाएगा। इस कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है। 14 जुलाई को सर्वप्रथम प्रातःकाल 7 बजे प्रेम प्रकाश ग्रंथ एवं श्रीमद् भगवद गीता के पाठों के भोग का प्रारंभ होगा। उसके बाद 75 बच्चों के सामूहिक यज्ञ पवित्र पंडित कृष्ण कुमार व्यास और उनके साथियों द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। साथ ही 75 वृक्षों का वृक्षदान, वो भी कार्यक्रम 14 तारीख को प्रातःकाल होगा। सायंकाल स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का 75वां जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से स्वामी टेऊराम भजन मंडली सूरत व देश विदेश से आए अन्य कलाकारों गुणी महानुभावों द्वारा मनाया जाएगा। साथ ही 15 तारीख को प्रातःकाल 11 कुंडीय विष्णु कल्याणार्थ विष्णु महायज्ञ होगा और साथ ही सत्संग भी होगा। शाम को 4 बजे लाल साईं की ज्योत आश्रम पर जगाई जाएगी और उसके बाद एक भव्य शोभा यात्रा आश्रम से प्रारंभ होकर वैशाली नगर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए एवं प्रेम प्रकाश आश्रम मार्ग से होते हुए वापस आश्रम पर समाप्त होगी। 16 तारीख प्रातःकाल सुबह मंदिर प्रांगण में शिव भगवान का पंचामृत अभिषेक, श्रृंगार एवं भस्म आरती का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही 16 तारीख को सामूहिक ध्यान, सत्संग और शाम को भी दिल्ली से आए मनोज रिया एवं पार्टी के द्वारा एक नृत्य नाटिका शिव भगवान और कृष्ण भगवान की लीलाओं पर आधारित होगी, वो 4 से 6 बजे कार्यक्रम है। तत्पश्चात देश विदेश से आए हुए संतों का सत्संग होगा, स्वयं भगत प्रकाश जी महाराज भी सत्संग करेंगे। 17 तारीख को प्रातःकाल सामूहिक ध्यान एवं सत्संग का कार्यक्रम है एवं सायं सांस्कृतिक संध्या रखी गई है, जिसमें स्वामी टेऊराम जी महाराज के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिकाएँ, भजन नाटक का मंचन होगा, जो कि आश्रम के बच्चों ने बहुत ही उत्साह से प्यार से तैयार किया है। उसके बाद सत्संग होगा। 18 तारीख को सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का जयंती का मुख्य दिवस है, उसी दिन स्वामी टेऊराम जी महाराज ने अवतार लिया था। उस दिन आश्रम में प्रातःकाल 6 बजे से स्वामी टेऊराम जी महाराज, स्वामी वसंतराम जी महाराज, शिव भगवान और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं का पूजन होगा। साथ ही उनको 132 भोग लगाए जाएंगे स्वामी टेऊराम जी महाराज के 132 जन्मोत्सव उपलक्ष्य में। साथ ही 132 दीपों द्वारा महाआरती की जाएगी और उसके बाद हवन होगा। हवन के बाद ध्वजावंदन होगा। ध्वजावंदन के बाद प्रेम प्रकाश आश्रम मार्ग का लोकार्पण स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज, जो प्रेम प्रकाश मंडल के अध्यक्ष हैं, वो करेंगे। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे एवं शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करेंगे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में धर्मेंद्र गहलोत, जो कि अजमेर के महापौर हैं, एवं अनेक गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। लोकार्पण समारोह के बाद आश्रम में संत समागम, सत्संग, श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ के पाठों का भोग एवं आम भंडारे का आयोजन भी किया गया है। शाम को सत्संग होगा और सत्संग के साथ पलव पाकर स्वयं भगत प्रकाश जी महाराज उत्सव का समापन करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस कार्यक्रम में जरूर पधारें, संतों का दर्शन, संतों का सत्संग सुनकर अपने मानव जीवन को सार्थक बनावें एवं संतों से इस मार्ग में प्रेरणा लें। मैं संतों प्रकाश शास्त्री, प्रेम प्रकाश आश्रम, वैशाली नगर अजमेर।